आजादी के वक्त भारत में 550 से ज्यादा देसी रियासतें हुआ करती थीं। सबके अपने राजा, महाराजा, नवाब और निजाम थे। इनके शौक भी निराले थे। हाथी, घोड़े, पालकी और बग्घी से चला करते थे। 18वीं सदी का अंतिम दशक आते आते भारत में मोटर गाड़ियों ने दस्तक दी। साल 1892 में पटियाला के महाराजा ने भारत में पहली मोटर मंगवाई, जो फ्रांसीसी मोटर डी डियान बूटो थी। इतिहासकार डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस ने अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में राजा महाराजाओं की गाड़ियों पर विस्तार से लिखा है। वह लिखते हैं कि पटियाला के महाराजा की कार का नंबर 0 था। ये भारत की पहली मोटर थी और जब भी महाराजा इससे कहीं जाते तो देखने वालों की लाइन लग जाती। हिंदुस्तान के राजे महाराजे सबसे अधिक रोल्स रॉयस को पसंद करते थे और तरह तरह की शक्ल और साइज में विदेश से गाड़ियां मंगवाते थे। किसी राजा की कार बंद छत वाली होती तो किसी की खुली छत वाली। सबसे अनोखी रोल्स रॉयस मोटर महाराजा भरतपुर की थी। ये खुली छत वाली थी। इस मोटर की बॉडी चांदी की बनी हुई थी। कहा जाता है कि उस कार की चांदी के ढांचे से रहस्यमय लहरें निकलती थीं। महाराजा अपनी बिरादरी के दूसरे राजा महाराजाओं को शादी विवाह के मौके पर अपनी खास मोटर उधार दिया करते थे। महाराजा भरतपुर ने शिकार खेलने के लिए भी विशेष तौर से एक रोल्स रॉयस तैयार करवाई थी। डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस लिखते हैं कि जब नौजवान लॉर्ड लुई माउंटबेटन भारत आए तो एक बार महाराजा भरतपुर उसी मोटर से उन्हें चिता का शिकार खिलाने ले गए। भारत के भावी वायसराय ने उस रात अपनी डायरी में लिखा, वह मोटर खुले जंगली इलाके में गड्ढों और बड़े बड़े पत्थरों पर कूदती फांदती इस तरह चली आ रही थी जैसे समुद्र की तूफानी लहरों पर कोई नाव जा रही हो। हिंदुस्तान के राजा महाराजाओं के पास जितनी मोटरें थीं उनमें सबसे अद्भुत महाराजा अलवर की लैंकास्टर मोटर थी। अंदर और बाहर उसकी पूरी बॉडी पर सोने का पानी चढ़ा हुआ था। ड्राइवर के हाथ में नक्काशीदार हाथी दांत का स्टीयरिंग होता और वह जरी की गद्दी पर बैठता था। ड्राइवर के पीछे बाकी मोटर की शक्ल बिल्कुल उस घोड़ा गाड़ी जैसी थी जिस पर बैठकर इंग्लैंड का राजा राज्याभिषेक के लिए जाता था। उसके इंजन में न जाने क्या गुण था कि इस ताम झाम के बावजूद मोटर घंटे में 70 मील की गति से सड़कों पर फर्राटा भरा करती थी। आजादी के वक्त हैदराबाद के निजाम न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स थे, लेकिन अपनी एक आदत के लिए बदनाम थे। वह लोगों की गाड़ियां जबरन हथिया लिया करते थे। जब कभी अपनी राजधानी की सीमा में उनकी निगाह किसी दिलचस्प मोटर पर पड़ जाती थी तो वह उसके मालिक से कहला भेजते कि हिज एग्जाल्टेड हाइनेस को उस गाड़ी को तोहफे के तौर पर पाकर बहुत खुशी होगी। 1947 तक निजाम के मोटर खाने में सैकड़ों ऐसी मोटरें जमा हो गई थी जिन्हें उन्होंने कभी उपयोग तक नहीं किया था। लापियर और कॉलिंस लिखते हैं कि हिंदुस्तान के रजवाड़ों को मालगुजारी शुल्क कर और कर से जितनी आय होती थी वह सब उनके हाथ में रहती थी, इसलिए वे जिस तरह चाहते अपनी हर संभव इच्छा पूरा कर सकते थे। सबसे ज्यादा पैसा तो इन्हीं चीजों पर खर्च किया करते थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।